अभी हमने एक उदाहरण देखा था पिछले वीडियो में, अब हम किताब में दिए गए तीनों सवालों को लेते हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है, 3987 को 28 से भाग करना है। समस्या वहीं आती है, 28 का पहाड़ा याद नहीं है, तो इसके लिए वैध गणित की हम हेल्प लेते हैं। हम 2 और 8 को झंडा बना दिया, फ्लैग बना दिया, इस तरह लिखते हैं। इसमें लिखने का विशेष तरीका है, उसको तो ध्यान रखना ही है हमें। फ्लैग में हमारा एक अंक है, तो एक अंक को केवल यहां लिखेंगे संख्या की, इसको भाग कर रहे हैं शेष अंकों को, 398। अब हमें करना क्या है, लाइन खींची, हमारे जो कोसेंट होगा उसको हम यहां लिख रहे होंगे, जो रिमाइंडर होगा उनको इन संख्याओं से पहले यहां लिख रहे हैं। एक लिखने का तरीका ये है। प्रोसेस में हम इसमें विशेष ध्यान देंगे, जो फार्मूला मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, पिछली वीडियो में भी, MSDMS, मतलब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। जब प्रोसेस इधर चल रहा है, बीच में चल रहा होगा, जहां ये इस लाइन से इस लाइन के बीच में, तो हम MSD करेंगे। जब हम इस पार्ट पर जाएंगे तो केवल हम MS करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको समझते हैं, 2 की भाग करेंगे 3 में, एक बार गया कोसेंट को यहां लिखेंगे, सॉरी बचा रिमाइंडर, कितना बचा, एक बचा। करना क्या है, प्रोसेस वही है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, कोसेंट की मल्टीप्लाई करेंगे ध्वजांक के साथ, 8 एकम 8, घटाना किसमें से है, ये जो नई डिजिट बन फॉर्म हो रही है हमारी 19, बचा 11 हमारे पास। डिवाइड किससे करनी है, यहां भाज्य कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 बार आया तो 5, कोसेंट यहां लिखना है, रिमाइंडर को यहां लिखना है, प्रोसेस वही है, कोसेंट की मल्टीप्लाई करनी है ध्वजांक से, 8 पंजे 40, घटाना किसमें से है, नई संख्या में से, 18 में से, जब 18 में 40 जा रहा होगा तो माइनस में एक संख्या आ रही है, तो माइनस की संख्या से हमें बचना है। इसे बचने का क्या तरीका है, जो हमने पहले हमें क्वेश्चन प्राप्त किया था उसे कम करेंगे। कैसे करेंगे, 2 को 5 बार में 4 बार करेंगे, 2 चौक 8 बचेगा 3, तो हमारा नया कोसेंट हो गया 4, और यहां पर जहां 1 लिखा था वहां हो गया 3। वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई करनी है फ्लैग की कोसेंट से, 32, इसे माइनस किसमें से करना है, 38, 6 बचा, डिवाइड किससे करनी है, 2 से, यहां भाज्य 2 ही है, प्रत्येक बार 3 है, रिमाइंडर 0, तो यहां 3 लिखेंगे और यहां 0। सेम प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे, MSD को 3 8 24, माइनस किससे करना है, 0 7 में से, यानी 7 में से, फिर नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसलिए फिर वही प्रोसेस दोबारा, नेगेटिव में बचने का क्या तरीका है, कोसेंट को कम करना, तो 2 दूनी 4, 2 रिमाइंडर, तो यहां बचा 2, यहां हो गया 2। तो अब फिर वही प्रोसेस, 2 8 16, घटाएंगे किसमें से, अब 27 में से घटाएंगे। तो यहां हम क्या करना, यहां लिखा था MS, ध्यान देने की बात है, यहां मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना था, बस यहां ये आपका इस आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमारा कोसेंट कितना मिला हमें, 1 4 2, एंड रिमाइंडर कितना मिला हमें, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,